विजय यादव, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा जरूर, मुझे जो समझ आ रही है, ठीक। आपके पक्ष का निर्णय नहीं होता तो आप जाते, अब दूसरे पक्ष का नहीं हुआ तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जाएंगे, स्वाभाविक है, सहज बात है। शासन को, सरकारों को यहीं से रास्ता मिल जाता है क्या? फिर वो अधिकारियों से कहते हैं कि विज्ञप्ति तैयार करो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायाधीन है चूंकि विषय, इसलिए सरकार इसके निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। विजय जी देखिए, अमिताभ सर जो आप कह रहे हैं, अभी मैं अपने भाई शिवेंद्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, मैं अपने भाई से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इतना लंबा अनुभव है, शायद हमने और शिवेंद्र ने इस भर्ती में एक साथ आवेदन किया था, तो एक एक चीज से वाकिफ है। अधिकारी कैसे मामले को डिरेल करते हैं, उनको तो एक बहाना मिल जाएगा। हमारे आपके लिए और जितने पैनलिस्ट हैं सबके लिए बेस्ट ऑप्शन यह है कि जो दो जजों की बेंच ने कहा है, अगर शिवेंद्र नहीं संतुष्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उनका अधिकार है, उसमें नहीं कि उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, जो जैसा शिवेंद्र कह रहे थे कि सरकार ने अगर कोई लिस्ट निकाली है तो उसके बचाव के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने पहले जो मुझे मौका मिला मैंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें से अधिकांश लोग, इसमें चयन उनका फेयर है, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था बना ले, फिर शिवेंद्र सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आलोक वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनको अपनी सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन बाबुओं के भरोसे बैठे हैं उनके पास इतने सारे विकल्प हैं। अमिताभ जी, मैं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में और डबल बेंच में लगातार पैरवी में मौजूद रहा, वहां हाईकोर्ट के जजेस पूछते थे कि भाई ये बताओ 69,000 की पूरी ट्रेन भर गई है। एक जस्टिस पंकज भाटिया जी हैं, उनका मैं संबोधन आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि भाई 69,000 की पूरी ट्रेन आपने भर ली है, गलत सही जिनके पास टिकट था उनको भी, जिनके पास नहीं था उनका भी, जिनका जनरल का था स्लीपर में घुस गया चाहे जैसे, आपने भर ली। अब आप ये कह रहे हो कि एसी वाले बाकी रह गए हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? नई बोगी जोड़ोगे, नया डिब्बा जोड़ोगे कि उनको वैसे ही लटका के ले जाओगे? कुछ तो बताओ। यही अधिकारी हैं सर जो सीएससी है, उनसे लगातार जो संजय भसीन साहब जो एडवोकेट थे पूछती रह गई कोर्ट, इनके पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने इनसे खुद कहा, सिंगल बेंच का जजमेंट मैं उपलब्ध करा दूंगा, उसको देखिएगा, सिंगल बेंच ने खुद सरकार को निर्देशित किया कि सरकार सभी नियुक्तियों को सही से करे और जो नियुक्तियां गलत पाई जाए उन बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाए और उनके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए। ये हाईकोर्ट सरकार को बता रहा है। सरकार के पास पूरा पूरा न्याय विभाग है, महाधिवक्ता है, स्टैंडिंग चीफ काउंसिल है, तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं। जो बात न्यायालय कह रहा है वो करने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने शिवेंद्र भाई से यह कहना चाहता हूं कि आप कैसे उम्मीद करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आपको बचा ले आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की तरह वहां से आपकी नौकरी ही चली जाए और जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाएगी कि नहीं नहीं भाई शिवेंद्र को बाहर करिए, फिर इनको कौन बचाएगा? तो हमको सबको ये मिलकर, मैं एक प्रपोजल आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि शायद ये सरकार तक पहुंच जाए। सबसे बेहतर तरीका जो है कि पूरी लिस्ट को जो रिवाइज करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तभी वो उस पर रिवाइज होगी, वो हर हाल में होगी चाहे जिसके पक्ष में फैसला आए। गलतियां अगर एक सीट की भी होगी तब भी पूरी सूची रिवाइज होगी, ये कट सत्य है। लेकिन एक जो रास्ता यहां से बनता है वो ये है सर कि पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लें, जो गलत नियुक्तियां मिले चाहे वो जिस पक्ष के, वो शिवेंद्र के पक्ष के हो, हमारे पक्ष के हो, किसी पक्ष के हो, अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको नियुक्तियों को 4 साल बाद वो सड़क पे ना आ जाए जैसे हम 4 साल से सड़क पे टहल रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की। उनके पास रास्ता बहुत आसान है, सुपर न्यूमेरी पोस्ट आप देखेंगे, चाहे यूपीपीसीएस की भर्तियां हो, चाहे पीजीटी की भर्तियां हो, तमाम भर्तियों के उदाहरण है जहां सरकार ऐसे मामलों में सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करती है और उन नियुक्तियों को सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है और उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है। बाबू जो बात विजय जी कह रहे हैं उसमें भी फिलहाल दम है, क्योंकि देखिए एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अक्षुण है उस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये कहती है, व्यवहारिकता ये कहती है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लग गई क्या, अधिकारी कहेंगे भैया नींद की गोली खाओ सो जाओ क्या, अब 5-7 साल बाद जब निपटेगा तब देखेंगे क्या, तब तो धरना प्रदर्शन भी किसके खिलाफ होगा, कौन करेगा? सरकार कहेगी आपको धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे भैया, सुप्रीम कोर्ट फिर भी करो जाके दोनों पक्षों से क्या, तब मुझे लग रहा मामला और लटक जाएगा। शिवेंद्र जी, जी सर, जी सर, विजय जी ने मेरी बातों को थोड़ा सा अलग मतलब ले लिया। शुरू में आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया था, मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि सरकार इस पक्ष को मतलब सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि वो चयनितों को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी। इस बात से विजय भाई भी सहमत है, हमें किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से कोई समस्या नहीं है, हम लोग तो बेवजह आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए हैं। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले चयनित, इस पर कोई आपत्ति नहीं किसी चयनित को, लेकिन हम लोग सर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और आपको याद होगा उसके 2-2.5 साल पहले से केस लड़ रहे थे, तो हमने 6-6.5 साल का 2.5 साल का मानसिक शोषण और 4 साल बाद भी नौकरी में चयन नहीं है, तो हम भी यही विजय भाई की तरह ही हम भी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप सूची रिवाइज करने से पहले हमें ये तो बता दीजिए कि हमको आप सुरक्षा कैसे देंगे, हम आपके भरोसे आश्वस्त हो जाएं और उसके बाद फिर अगली सुबह आज रात में हम सोए मास्टर और सुबह जो है उठे बेरोजगार, तो सर इस भरोसे हम सरकार के कैसे सो जाएं? सरकार हमें ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो किस प्रकार से सुरक्षा देगी, जैसे विजय भाई ने कहा सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, तो सरकार इस बात को विज्ञप्ति में लिख दे, महाराज जी अपने ट्वीट में लिख दे, सरकारी अधिकारी विभाग के हैंडल से लिख दे, तो चयनितों को भी आश्वासन मिल जाए कि हम लोग जो है इस प्रकार सरकार हमें सुरक्षित कर देगी। सर हमें से कई साथी तमाम सारे सरकारी नौकरियों को छोड़कर इस भर्ती में आए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोगों ने लोन उठा रखा है, सर बैंक लोन तो नहीं माफ कर देगा, तो जो
सर ये सब भावनात्मक बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का भी संज्ञान सरकार को ही लेना पड़ेगा। तो सर हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम ये कह रहे हैं हमारी ये चीजें स्पष्ट कर दें कि हमको कैसे बचाएंगे, उसके बाद लिस्ट रिवाइज करें, विजय भाई को भी नौकरी दें, आरक्षित वर्ग के सब अभ्यर्थियों को नौकरी दें, लेकिन हमारे बचाव के लिए हमें स्पष्ट करें और विजय भाई को बताएं कि उनको किस प्रकार से नौकरी देंगे। ये स्पष्ट करने के बाद वो इस फैसले का जो है संज्ञान लें।